हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और कुछ बोलने से पहले यही बोलूँगा कि मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। ये मैं 25 दिसंबर को ये मेरा सबसे बड़ा प्लांट है, क्योंकि इसको मिट्टी में लगाया वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। जिसको पॉट में रखा था उससे ये कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो इसको 25 दिसंबर को किया था, तो आज 8 जनवरी है, तो लगभग 12-13 दिन हुआ है। तो मैंने मेरा सारा व्यूअर्स को बोला था कि इसमें ज़रूर फ्लावरिंग होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया कली आया है। ये 4-5 दिन में मैंने फूल पे कन्वर्ट हो जाएगा और फूटिंग तो ज़रूर करेगा। अभी देखिए, मेरा प्लांट का सारा पत्ता झड़ गया है, क्योंकि अभी दिसंबर में झड़ता है। तो ये देखिए, पूरा पत्ता ही नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा अभी कली निकल रहा है, मगर यहाँ से बहुत सारा फूटिंग होने वाला है मुझे लगता है। ये प्लांट को देखिए, मैंने बहुत सारा इसको गोबर का खाद दिया हूँ और कल मैं उसका NPK भी दूंगा। और आप देख सकते हैं एक डाली में ये आया है, और 2-4 दिन में पूरा पता चल जाएगा कि कितना फ्रूटिंग होगा। मगर इसमें हम इस बार इसका कम से कम 4-5 फ्रूट रख के देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम फिर अगले साल इसमें पूरा फ्रूटिंग लेंगे, क्योंकि ये बढ़ने के लिए हम इसको थोड़ा छोड़ देंगे। तो इसका प्रूनिंग हुआ है बढ़िया से। अभी देखिए, वो अच्छा नहीं लगता है, मगर पूरा जैसे हरा भरा लगता है। अभी देखिए, अभी अच्छा नहीं लगता, मगर वो अभी कम से कम 1 महीने के अंदर पूरा हरा भरा हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। फ्लावरिंग तो आ गया है और फ्रूटिंग पकड़ लेगा, मगर ये सब पकते पकते कम से कम मई और जून भी हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर एक बार कहूँगा मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और मैं ऑनलाइन सर्विस अभी नहीं देता हूँ, मुझे थोड़ा अभी वो, क्योंकि वो सब कुछ मटेरियल चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर आगे जाकर ये सब दूर हो जाएगा। मगर फिलहाल अभी उड़ीसा लोग के लिए वो आके लेके जा सकते हैं, या मुझे बोलने पर मैं बॉस में भिजवा दूँगा। तो लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका राजेश भाई।